हाय गाइस, मैं आया हूँ रिवर सफारी सिंगापुर। मेरे को यहाँ का टिकट प्राइस है मुझे $35 में मिला और कुछ बोर्ड चार्ज $5 किया था, लेकिन टिकट $30 का है सिंगापुर रेजिडेंशियल के लिए। तो चलो आइए दिखाता हूँ आगे क्या है। ये कितनी कितनी बड़ी फीस है भाई, बहुत बड़ी फीस है। ये सारी फीस है मेरे ऊपर। एक्वेरियम है, गुफा टाइप का बना रखा है मैंने, रिवर सफारी। और आगे मैं रिवर की सफारी करूँगा, आपको दिखाऊँगा बोट सफारी, तो अच्छा देखने को मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी फीस है आप देख सकते हो मेरे पीछे। मैं और दिखाता हूँ बैग। तो आगे देखते हैं और क्या मिलता है। ये तो हो गया और इधर भी कुछ है जो ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो। ये मेरे पीछे पूरा खुला एक्वेरियम लगता है, पूरा बड़ा है। देखते हैं। खाना भी प्रॉपर मिलता है, ये देख रहा हूँ बड़ी बड़ी फीस, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी फीसेस है। ये देखो खाना खिला रहा है, बोट राइड है तो देखते हैं बोट राइड भी। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे मंकी है। अब ये देखो ऐसे ही घूम रहे हैं, छोटे छोटे मंकी है, मस्ती कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। देखो ये पीछे बहुत सारे मंकी है, कुछ पंछी भी है, पैरेट वैरेट भी मिल जाएंगे और बहुत कुछ है देखने के लिए। तो इस साइड नहीं, उस साइड ज़्यादा थे। मुझे खुद को डर लग रहा था मंकी से क्योंकि मोबाइल छीन ले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर अभी सोशल डिस्टेंस का बहुत कुछ चल रहा है, तो एंट्री ज़्यादा लोगों को नहीं मिलती एक साथ। मैं सिंगल हूँ तो मिल जाती है हर जगह, अदरवाइज़ यहाँ एंट्री मिलना थोड़ी मुश्किल हो रही है। अभी कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है सिंगापुर को भी। तो अब मैं जा रहा हूँ बोट राइड करने के लिए, तो दिखाता हूँ आपको बोट राइड में क्या क्या मिलेगा। पूरा जंगल का व्यू मिलेगा और एक्वेरियम भी देखने को मिलेंगे बोट से, और देखते हैं कैसे होने वाली है बोट राइड। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं क्या होता है आगे, क्या है बोट राइड, क्या क्या देखने को मिलेगा। पैदल घूमने से अच्छा बोट राइड करना अच्छा सुना है यहाँ पर, तो देखते हैं वो भी। सो गाइस, मैं बोट राइड में बैठ गया हूँ और ये यहाँ से अब ये जो बोट है ऊपर जाएगी, तो देखते हैं सफ़र अच्छा होने वाला है। जो राइड है ये बहुत अच्छी होने वाली है, अमेजिंग होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है।
रहे हैं, आपको भी दिखाता हूँ। गाइस हो गया मेरा रोड राइड, हो गई पूरी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5-7 मिनट की है, 5-7 मिनट या अराउंड, ठीक था, अच्छा टूर था, ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते, ठीक टूर था मेरा। ये वाला जो वे है जो रिवर के ऊपर है, ये जू की ओर जाता है, लेकिन मैं
जो जा चुका हूँ तो डबल से नहीं जाऊँगा, क्योंकि डबल से मुझे टिकट लेना पड़ेगा और मैंने $40 का टिकट लास्ट टाइम लिया था। तो मुझे लगता है ये जो है जाता है जू की ओर, तो देखते हैं। अगर मुझे उस दिन पता रहता कि दो टिकट रिवर और जू का एक साथ ले सकते तो मैं दोनों उसी दिन ले लेता, लेकिन पानी आने की वजह से मैंने एक ही टिकट लिया था, क्योंकि फिर बोट राइड नहीं कर सकता था और बोट राइड देख ही लिए। और कुछ इस तरह से नज़ारा है भाई, आसपास का बहुत अच्छा व्यू है। देखते हैं, कोविड की वजह से यहाँ पर भीड़ का काफ़ी वो है, और आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ भी बोट राइड होगी। यहाँ तो है, क्रूज़ चल रहे हैं इनके, देख सकते हो आप वहाँ खड़े हो, ये जो ये खड़े हुए हैं, तो अभी कोविड की वजह से बंद है वो। वेल गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ बिना घंटी दबाए मत जाना। तो वो ये कुछ ब्रिज था, वहाँ से मैं क्रॉस करके आया था इस साइड, और बहुत अच्छा ब्रिज है, पूरा ऊंट का बना हुआ है। गाइज यहाँ पे बहुत सारी पीसेस है, बड़ा सा पीस पर लगा रखा है इन्होंने।